हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1F में फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। अ सबमरीन आफ्टर ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर फ्रॉम द शोर डिसेंडेड 1/10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, देन इट असेंडेड दिस मच किलोमीटर, द नेक्स्ट डे इट अगेन डिसेंडेड बाय 9/10 किलोमीटर। वॉट इज इट्स करंट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल एंड वॉट इज द हॉरिजोंटल डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम द सी शोर। अभी इस सम को समझने के लिए बच्चों, मैंने ये आपके लिए ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये हम लोग सपोज करते हैं ये सबमरीन है, ठीक है, और सबमरीन आके इधर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इट इज गोइंग 100 किलोमीटर इन द सी, तो यहाँ तक वो ट्रैवल कर चुका है। एंड देन इट इज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ उतर रहा है। जब नीचे मतलब माइनस, फिर असेंडिंग मतलब फिर ऊपर आ रहा है, सो प्लस, फिर नेक्स्ट डे फिर से डिसेंड हो रहा है, माइनस 9/10 लेंगे क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो जब भी वो डेप्थ में अंदर गहराई में जा रहा है तो माइनस, जब ऊपर चढ़ रहा है तो प्लस। ये हो गया एक क्वेश्चन। तो हम करंट पोजिशन ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि वॉट इज द हॉरिजोंटल डिस्टेंस। अब हॉरिजोंटल डिस्टेंस मतलब, देखिए बच्चों, वो सबमरीन आगे की तरफ नहीं बढ़ा है, वो सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब वो अभी भी 100 किलोमीटर ही शोर से है। सो हॉरिजॉन्टल पूछेंगे तो इट इज लाइक एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ, जैसे एक्स एक्सिस स्लीपिंग लाइन होती है, वैसे ही शोर से वो सबमरीन यहाँ तक 100 किलोमीटर तक पहुंचा है, तो हॉरिजॉन्टल किलोमीटर 100 ही होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इधर ही ऊपर नीचे कर रहा है। सो इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम सी शोर विल बी 100 किलोमीटर। अब इसकी करंट पोजीशन जानते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने डिसेंडिंग को माइनस लिया है और असेंडिंग को प्लस, डिसेंडिंग को माइनस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, मैंने बोला चेंज नहीं होगा, वो वही का वही है, सिर्फ उधर ऊपर नीचे कर रहा है। सपोज ये सी है और सबमरीन इधर आके खड़ा हुआ है, तो इधर ही वो नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग माइनस में ले रहे हैं और असेंडिंग प्लस में ले रहे हैं, लेकिन उसकी डिस्टेंस शोर से उतनी की उतनी ही है। करंट पोजिशन करने के लिए इसका एडिशन करना होगा, दैट इज माइनस 1/10 प्लस 3/5, और ये एडिशन करेंगे तो भी ये माइनस ही होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। सो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर बनाएंगे। 10 × 1 = 10 प्लस 1 = 11/10 प्लस 3/5 प्लस इंटू माइनस माइनस 9/10। अब इसकी एलसीएम क्या होगी बच्चों, 10, ठीक है, और प्लस की जगह मैंने प्लस ले लिया, माइनस की जगह माइनस ले लिया, सो अभी सबको 10 बनाना है। सो 5 × 2 = 3, 2 = 6, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि 10 × 1 = 10, तो −11 + 6 हो गया, −11 + 6, एक प्लस एक माइनस तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर −5, और −11 + 6 तो −5 आ गया। अब −5 − 9 दोनों सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। सो ये बन गया −14/10। इसे हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं 2 tables में, 2 7s are 14, 2 5s are 10, सो द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल इज −7/5 किलोमीटर, माइनस मतलब नीचे की तरफ है सबमरीन। नेक्स्ट हम बच्चों, अ गोल्ड चेन व्हेन पैक्ड इन अ गिफ्ट बॉक्स वेज दिस मच, इफ द चेन वेट इज दिस मच, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अब इसे समझाने के लिए भी मैंने ये रखा है। अब देखिए, ये कह रहे हैं अगर एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर चेन के साथ इसका वजन दिया है, सपोज इसे 10 मानते हैं, सो ये चेन के साथ 10 है। अगर हम इसे चेन को निकाल दें, सपोज ये 2 ग्राम है, इसे निकाल दें, तो अब इस वेट ऑफ द बॉक्स क्या है, तो दोनों मिलाकर 10, लेकिन इसे निकालेंगे तो ये 2 निकल गया, तो बाकी क्या बचा, 10 में से 2 गया तो वेट ऑफ द बॉक्स 8 हो गया, बरोबर। ये दोनों मिलाकर 10, लेकिन इसे हमने चेन को बाहर निकाल दिया, इसका वजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज हम लेते हैं 2, तो वेट ऑफ द बॉक्स क्या होगा बच्चों, 10 − 2। उसी तरह से इस सम को भी हमें करना है। वेट दिया है 81/6, टोटल है ये वेट चेन और बॉक्स को मिलाकर, उसमें से हमें माइनस कर देना है चेन का वेट जो है 26/7/12, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो हमें मिलेगा 481/6
और इसे मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 319/12। अब 6 के टेबल्स में 12 आता है, 6 टू ज़ा 12, तो इसे कहते हैं व्हेन वन इज द मल्टीपल ऑफ अदर। तो ऐसे टाइम में जो हाईएस्ट नंबर है वही एलसीएम होता है, ये हमने पहले वीडियोस में सीखा है इन डिटेल। सो 481 इंटू 2 बन गया 962 और ये बन गया 12 वनजा, सो 390। इससे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 643/12। अगर आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे, 643 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12 5 60 4 रिमाइंडर, 12 3 36 7 रिमाइंडर। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएंगे तो लिख सकते हैं 53, फिर रिमाइंडर 7/12। सो ये वेट ऑफ द बॉक्स हो गया आपका। नेक्स्ट सम, अब बच्चों नेक्स्ट सम के लिए ये सेटअप में लाई हूँ। यहाँ दिया है टोटल वेट, सपोज इसका टोटल वेट 10 है, इसका सब फुल वेट 10 है, 4 इसका, इसका 3, इसका 1 और इसका भी मिलाकर, इसका वेट नहीं दिया है लेकिन ये सब मिलाकर 10 है। और क्या फिर आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो? इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये टोटली 10 है तो हम लिख देते हैं 10, ठीक है, सपोज ये टोटली 10 है, उसमें से अभी सिर्फ लेमन का वेट पूछा है तो हम लेमन को साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब इसका वजन क्या है? 4 + 3 7 और बास्केट का, सिर्फ बास्केट, ओके ओनली बास्केट, ये 1 है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। सो 4 + 3 7 7 + 1 8। तो अगर हम फुल सेटअप 10 में से, अगर फुल जो जब लेमन भी था तो 10 था, अगर अब उसमें से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, तो वेट ऑफ लेमन विल बी 2। यही कॉन्सेप्ट हम थर्ड सम में लगाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स टोटल वेट माइनस दिस गिवन वेट, यू विल गेट वेट ऑफ द लेमन। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा चेंज किया है, क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फ्रूट बास्केट कंटेनिंग एप्पल्स ऑरेंज एंड पेयर्स वेव्स दिस मच, मतलब ये टोटल वेट है। जैसे हमने 10 केजी लिया था, ये टोटल वैसा 91/3 है। इसमें से पेयर्स का वेट दिया है और ऑरेंज का वेट दिया है। आपको ये केजी लेना है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में ग्राम लिखा हुआ है, केजी आएगा। सो ये ऑरेंज का वेट है और बास्केट का वेट भी दिया है, तो हमें एप्पल का वेट फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने सेटअप में लेमन का फाइंड आउट किया था वैसे ही, तो यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, ये है बास्केट, उस बास्केट के अंदर है एप्पल्स ऑरेंजेस और पेयर्स। सो टोटल वेट इतना है, ठीक है। उसमें से पेयर्स का क्या वेट दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में देखिए, पेयर्स का है 8 1/9, ऑरेंजेस का है 3 1/9 और वेट ऑफ द बास्केट 1 1/9। मतलब हम इन तीनों को ऐड करेंगे और उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें इस पैर एप्पल्स का वेट हम जान लेंगे, ठीक है। एप्पल्स क्योंकि ये एप्पल्स के साथ ये है 1 2 3, मतलब ये एप्पल्स ऑरेंजेस पैर्स और बास्केट, ये चारों का ये वेट है, ठीक है। उसमें से हम पैर्स को निकाल देंगे, ऑरेंज को निकाल देंगे और बास्केट को निकाल देंगे तो हमें एप्पल्स मिल जाएगा। तो अभी इसे ऐड करते हैं बच्चों, 9 8 72 + 1 73/9, 9 3 27 + 1 28/9, 9 1 9 + 1 10/9। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है बच्चों कि हमें एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, इन ये सबको ऐड करेंगे तो 111/9 आएगा। अब इसको इससे माइनस करना है, सो टोटल वेट माइनस पेयर्स ऑरेंजेस एंड बास्केट का वेट माइनस करेंगे तो हमें वेट ऑफ एप्पल्स मिल जाएगा। सो टोटल है 19 1/3 - 111/9। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर बनाते हैं, 58/3 - 111/9। अब ये टेबल 3 3 = 9, मतलब 3 के टेबल्स में 9 आ रहा है, मतलब एलसीएम क्या होएगा? लास्ट सम की तरह 9 होगा, जो हाईएस्ट नंबर है वही होगा। सो इंटू 3 करेंगे, 58 × 3 = 174 - 111, तो हमें मिलेगा 63/9, 9 1 = 9 9 7 = 63। सो एप्पल्स का वेट क्या हो गया? 7 केजी हो गया। नेक्स्ट सम,
अब क्वेश्चन कह रहा है अ कॉरिडोर इज दिस मच मीटर लॉन्ग एंड दिस मच मीटर ब्रॉड, इफ द कॉरिडोर हैज टू बी कारपेटेड फुल्ली व्हाट इज द एरिया ऑफ द कारपेट रिक्वायर। अब इसका मतलब कॉरिडोर है, कॉरिडोर मतलब आप समझते ना, जैसे ही आप रूम से बाहर आते हो आप जिधर चलते हो वो जगह आपका कॉरिडोर होता है, आप स्टेप से नीचे उतरते हो, ठीक है, सो उसे कॉरिडोर कहते हैं। तो यहाँ उसकी लेंथ दी गई है 66/7 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब एल लेंथ, और ब्रॉड मतलब ब्रेथ 56/55। तो इधर अगर वो कारपेट बिछाना चाहते हैं इधर, तो कारपेट क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है, एल और बी दिया है, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 66/7 इंटू 56/55, क्योंकि यहाँ एरिया बिठाना है, ये पूरा एरिया कवर करना है तो हमें एरिया चाहिए। सो हमने कैंसिलेशन सीखा है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स में इन्होंने क्या किया है, जब जो भी अभी तक आपने सीखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, अनलाइक डिनोमिनेटर्स को ऐड करना, ये पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो जब तक आप प्रीवियस वीडियो देख के उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपको ये थोड़ा तकलीफ लग सकता है, ठीक है, फिर भी मैं डिटेल में जाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कैंसिलेशन कैसे करते हैं बच्चों, हम एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करना होता है, दोनों नंबर्स न्यूमरेटर में नहीं होने चाहिए, दोनों भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। अब 7 और 56 दोनों 7 टेबल्स में जाएंगे, 7 वन्स आर 7 और 7 एट्स आर 56, सो 7 वन्स आर 7, 7 एट्स आर 56 हो गया एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। अब ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, दोनों 11 टेबल्स में जाते हैं, 11 फाइव आर 55, 11 सिक्स आर 66। अब 6 और 8 दोनों 2 में जाते हैं, लेकिन हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है। कैंसिलेशन के लिए एक न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर में। अब क्या 6 और 5 कैंसिल हो सकते हैं? नहीं। क्या 8 और 5 कैंसिल हो सकते हैं? नहीं। सो 6 8 आर 48, 48/5 इज द मीटर। अभी ये एरिया है क्योंकि हम लेंथ भी मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, सो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। सो इतना एरिया ऑफ कारपेट लगेगा। अब ये सम की तरफ चलते हैं बच्चों। अ रोल ऑफ रिबन वॉज कट इन टू 26 पीसेस ऑफ लेंथ 2 3/4 मीटर ईच, वॉट वॉज द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल रोल ऑफ रिबन। मतलब ये कह रहे हैं एक रिबन है, लेंथ इतना है वो रिबन, ठीक है, इसे है ना काटा गया है 26 पीसेस में, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, ऐसे करके 26 पीसेस इसका काटा गया, छोटा छोटा पीस, और एक एक पीस का लेंथ क्या है 2 3/4, ये 2 3/4 है, ये 2 3/4 है, ये 2 3/4 है, ऐसे करते करते 2 3/4 मीटर कट करते गए। अब इसका टोटल लेंथ क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ ईच पीस इनटू नंबर ऑफ पीसेस करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिलेगा। आप समझ गए बच्चों, लेंथ ऑफ ईच पीस दैट इज 2 3/4 को अगर हम कितने पीसेस किए गए 26 पीसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल लेंथ मिलेगा। सो 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4 इंटू 26, दोनों 2 में जाता है, 26 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। अब दोनों इवन नंबर्स है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो 2 में जाएगा, 2 2 4, 2 13। अब ना ही 11 और 2 में कोई कॉमन मल्टीपल है, ना ही 13 और 2 में, सो 11 13 सा कितना हुआ, 11 3 सा 33, 11 वन सा 11 प्लस 3, 11 वन सा 11, 12 13 14, 143/2। सो टोटल लेंथ कितना था, 143/2। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन करके देखोगे तो आपको मिलेगा 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, राइट, सो 71, 1/2 भी आप लिख सकते हो। सो ये आपकी टोटल लेंथ ऑफ मीटर है। होप आपको समझ में आए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं और एक तरीका बताती हूँ। देखो मान लीजिए ये टोटल लेंथ ऑफ रिबन है, ये हमें नहीं पता,
ठीक है, लेकिन मैंने इसे पांच पीसेस में कट कर दिया। जैसे क्वेश्चन में 26 पीसेस था ना, सपोज मैंने पांच पीस कट कर दिया और एक एक पीस आके 2-2 मीटर का ले लिया, समझो ऐसे, एक ये दो, ठीक है, ये ऐसे तीन, ये चार, ठीक है, अभी ये पांच पीस मैंने कर दिए, ठीक है, उस रिबन को काट के पांच पीस बना दिया मैंने। तो ये 2-2 मीटर है और पांच पीस है, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 आ गया। या तो हम 2 × 5 कर सकते हैं, बस वही मैंने इस समय भी किया है। 2 × 5 के बदले एक एक मीटर, इधर एक एक पीस का लेंथ क्या है, 2 3/4, और कितने पीसेस, 26। तो ऐसे ऐड कर, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा। बस इतना ही बच्चों, इस क्लास में जितना हो सके मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम देखो तो आप इमेजिन करो, तो आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम टफ नहीं लगेगा, आसान ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय।